नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज हो गई है और पटना की सड़क पर उतर गए हैं जाप के कार्यकर्ता नेता, और उन्होंने घेराव कर दिया है थाने का। पटना के कोतवाली थाने का नजारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जाप नेताओं ने घेर लिया है थाने को। आज उग्र प्रदर्शन किया गया है जन अधिकार पार्टी की तरफ से पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर। सड़क पर उतर गए हैं तमाम नेता, महिला नेता भी देखिए प्रदर्शन कर रही है किस तरह से सड़क पर उतर के। जन अधिकार पार्टी की जो महिला नेता है, तमाम नेता वो सड़क पर उतरी हैं, नेता कार्यकर्ता और तमाम सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और पप्पू यादव की रिहाई की मांग को तेज कर दिया है। आपको बताएं कि जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई थी पिछले दिनों और हवाला दिया गया था एक पुराने मामले में, जो अपहरण का मामला था, उसमें उनकी जमानत टूट गई है, इसलिए पप्पू यादव को आनन फानन में पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद मधेपुरा पुलिस अपने साथ ले गई थी और देर रात तक नहीं उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो मधेपुरा वो बीरपुर जेल में बंद कर दिए गए थे और फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसके बाद उन्हें DMCH में भर्ती कराया गया था। तो उसके बाद लगभग 45 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है लेकिन पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में जो पीड़ित है वो खुद पप्पू यादव के साथ खड़े हैं और पीड़ित का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, यानी पीड़ित भी जो है पप्पू यादव के पक्ष में है लेकिन जमानत नहीं मिली है। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। तो खैर, जमानत के लिए अब मांग तेज कर दी गई है और आज जो सड़क पर उतरे नेता, जो उन्होंने करो मरो जेल भरो अभियान छेड़ दिया है और आज इस अभियान के तहत 4500 लोगों ने, 4500 जो कार्यकर्ता हैं जाके, उन्होंने गिरफ्तारी दी अपनी। तो आपको हम ये खबर बता रहे हैं, पटना से है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से पटना के कोतवाली थाने में के बाहर जेल भरो अभियान को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं नेता और कार्यकर्ता। आपको बताएं, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं लेकिन मुख्य मुद्दा है कि पप्पू यादव की रिहाई की मांग के लिए अब सड़क पर उतर गए हैं जन अधिकार पार्टी के नेता। क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के नेता, आप सुन लीजिए। भैया, आज फिर आप लोग एक बार सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से आप लोग जो काफी संख्या में आज जेल भरो आंदोलन है, क्या पूरा कहना है? देखिए, 11 मई राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी साजिश रची और बिहार के एक ऐसे सेवक, एक ऐसे जन नेता को फर्जी मुकदमों में, पुराने मुकदमों में इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने उन्हें एक बड़ी षड्यंत्र किया और भेज दिया। आज 45 दिन पूर्व जाने के बाद राज्य की जनता ने गुस्सा किया, कहा कि हम खुद जेल में आ जाने को तैयार हैं, हमारे सेवक नेता को रिहा करना पड़ेगा। राज आज त्राही माम है, चाहे महंगाई हो या सरकार के खोखले और झूठे दावे की घोषणा हो, इस सबसे परेशान है। हम 5 सूत्री मांगों के लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती चरणबद्ध, और प्रत्येक जिलों में हमारा इस तरह का जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा। आज पटना में हम शुरुआत किए हैं, अगली कड़ी हमारी राज्य के अन्य जिलों में भी, जिला मुख्यालयों पर और जिला के थानों पर और उसके जेलों में होगी। अगर आज आंदोलन से ये नहीं होगा तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? कहाँ से आएगा?
नीतीश कुमार तो सुना आपने कि जाप के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है जहां देश में जो डीजल पेट्रोल की दाम में भी आग लगा है और तमाम जो गलत नीतियां हैं और कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव के खिलाफ सरकार की गलत नीतियों का ही नतीजा है कि आज वो जेल में है। पप्पू यादव ने जिस तरह से उनका कहना है कि कोरोना को लेकर तमाम जो है गतिविधियां ठप हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन जो नेता जो सक्रिय था इस दौर में जिसने लोगों की मदद की उसे बहाने से जेल के अंदर डाल दिया गया, इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। और साथ में कई सारे मांगे हैं जो जाप के नेताओं ने रखा है सामने। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जाप जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए अभियान छेड़ दिया है, पटना की सड़क पर उतर गए हैं और गिरफ्तारी के लिए करो मरो और जेल भरो अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।